क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। जीत की तरफ बढ़ने का यह पहला कदम आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी का सफर लोग जो कहते हैं आसान होता है वो आपसे झूठ बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से बोलती है कि चांद यहीं पर है, जमीन पर, थाली में देखो पानी में है, चांद उतर गया है। बल्कि सफलता की यात्रा ऐसी नहीं होती है। हाँ, हो सकती है कि सफलता की यात्रा आपकी सुगम हो, बेहतरीन हो, शानदार हो, लेकिन इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कैपेसिटी, कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह का निर्णय लेते हैं। कोई कुछ पल में निर्णय लेता है, कोई कुछ पल में निर्णय लेता है, और वह एक पल का निर्णय आपके पूरी जनरेशन के पल पल को बदलने की क्षमता रखता है। मेरे दोस्त, पल पल को बदलने की क्षमता रखता है। अभी जैसे आप लोग की मुलाकात हुई थी, मिस्टर करण मंडल जी वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, मैं होटल से निकल रहा था, सामने ओला आके खड़ी थी मुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए, और वो कुछ 1 से 3 मिनट की हमारी और आपकी मुलाकात थी। हमें लगा बस यूं ही ऐसे चलते फिरते सफर में कभी न कभी किसी न किसी से हमारी मुलाकात होती रहती है। वैसे ही एक मुलाकात इनसे हुई, ये उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश करते रहे, हालांकि हमारी और आपकी बात नहीं हो पा रही थी। इन्होंने 7 दिन लगातार कंपनी के ऑफिस में फोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, 7 दिन लगातार। 7वें दिन मेरे पास हमारी ऑफिस से एक लोग आई और उन्होंने बोला कि सर ये काफी बार कॉल कर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इनसे बात कर लीजिए। हमने फिर करण जी से बात किया तो इन्होंने बताया कि जब आप होटल से बाहर निकल रहे थे उस समय आपने पढ़ने के लिए एक बुक हमको दी थी और उस बुक से मैं इंप्रेस होकर के मैं आपके साथ अपनी आने वाली जनरेशन को बदलना चाहता हूं, और आज वो यहां पर हैं। दोस्तों कितने पल में लिया गया निर्णय कितने पल बदल सकता है, ये पल पल आज से 3 दिन तक आपको सोचना है मेरे दोस्त। और आज यहां पर हम लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके रहेंगे, ये सर नो, हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना है मेरे दोस्त, पैसे तो बहुत से लोग बहुत से कांड और कर्म कर करके कमा लेते हैं, कुछ लोग कर्म से कमाते हैं और कुछ लोग कांड करके कमाते हैं, लेकिन दोस्त हम और आप यहां पर सत्कर्म करके पैसा कमाना चाहते हैं। रीजन ये है कि हम और आप यहां पर अपनी जिंदगी बदलने की ख्वाहिशें लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि हम और आप एक ऐसी ख्वाहिश पाल रखे हैं कि आने वाली जनरेशन और हमारे आसपास रहने वाले वो लोग जिनको हम जानते हैं, और ऐसे लोग कभी बस में मिलते हैं, कभी ट्रेन में मिलते हैं, कभी हवाई जहाज में मिलते हैं, कभी व्हाट्सएप और कभी फेसबुक पे मिलते हैं, ऐसे लोगों की भी जिंदगी बदलने का अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर, इसलिए आज आप यहां पर उदयपुर में हमारे साथ हैं मेरे दोस्त। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी, वो गाड़ी कितनी मेंटेन है फर्क इस बात का नहीं पड़ता, वो गाड़ी किस कलर की है फर्क इस बात का नहीं पड़ता, उस गाड़ी में कौन सा इंजन लगा है फर्क इस बात का नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात का पड़ता है कि उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर कैसा है, क्योंकि वो ड्राइवर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी मंजिल पर लेकर के जाना है मेरे दोस्त। और किसी ने सच ही कहा है कि सदगुरु मिला तो सब मिला, सदगुरु मिला तो सब मिला, या फिर मिला न कोई, मातु पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। एक अच्छा गुरु मिल गया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। माता पिता, भाई बहन, मित्र दोस्त, ये सारे तो हर लोगों के पास हैं, लेकिन एक सही गुरु, एक सही मार्ग प्रशस्तक अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। एक बार मैं एक घटना बताता हूं कि कितना जरूरी होता है एक सही ड्राइवर का होना, एक सही पायलट का होना, एक सही सारथी का होना। एक बार गुरु द्रोणाचार्य बड़े घमंड में आकर के कहे कि अगर विश्व में गुरु हो तो मेरे जैसा हो। मैंने इस
अर्जुन जैसा धनुर्धर दिया है, भीम जैसा बलशाली योद्धा दिया है, इस तरह से तमाम तरीके के गुणों का बखान वह स्वयं करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण आए, कहे कि आप परफेक्ट गुरु हो सकते हैं, लेकिन अच्छे गुरु होने के लिए अभी आप में भी कई कमियां हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि ऐसी कौन सी कमियां हैं केशव जो मेरे अंदर हो सकती हैं? तो उन्होंने बताया कि अरे गुरु अगर होना है तो गुरु विश्वामित्र की तरह गुरु बनना चाहिए, कि उन्होंने चार लोगों को शिक्षा दी और चारों भाइयों ने जमीन का टुकड़ा लेने से मना कर दिया, और आपको तो विचार करना चाहिए, आपको तो स्वयं पे मंथन करना चाहिए कि आप कैसे गुरु थे कि आपने 105 लोगों को शिक्षा दी और 105 के 105 लोग आज जमीन के एक टुकड़े के लिए मर मिटने के लिए युद्ध के मुहाने, महाभारत के मुहाने पे खड़े हो गए हैं। मेरे दोस्त, गुरु कैसा होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वो गुरु डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी मंजिल पर लेकर के जाना है। दोस्त याद करिए, विश्व में सबसे बलशाली सबसे शानदार धनुर्धर दो ही हुए हैं, एक है अर्जुन और दूसरे हैं कर्ण। ऐसा ही है, एक है अर्जुन और दूसरे हैं कर्ण। दोनों को गर्व था कि मेरे से बढ़िया धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं है। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, युद्ध के दौरान, कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण के रथ का पहिया 5 कदम पीछे जाता था, और कर्ण जब बाण चलाते थे तो अर्जुन के रथ का पहिया 3 कदम पीछे जाता था। तो अर्जुन ने कहा कि देखा केशव, मुझसे बड़ा धनुर्धारी इस विश्व में नहीं है, क्योंकि मैं जब बाण चलाता हूं तो कर्ण के रथ का पहिया 5 कदम पीछे जाता है, और जब कर्ण बाण चलाते हैं तो मेरे रथ का पहिया केवल 3 कदम पीछे जाता है। तब प्रभु श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, ऐसा नहीं है, तुम कल्पना करके देखो कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोकों का स्वामी बैठा हुआ है, और पताका पर देख लो वहां पर पवन पुत्र हनुमान बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तुम्हारे रथ का पहिया 3 कदम पीछे जा रहा है। इस दुनिया में 2 महान सारथी हुए हैं, एक सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, यस, दूसरे सारथी थे महाराज शल्य, और दोनों विश्व के श्रेष्ठतम धनुर्धरों के सारथी थे। जब अर्जुन युद्ध करने गए तो उनके सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और जब कर्ण युद्ध करने गए तो उनके सारथी महाराज शल्य थे। जीत किसकी हुई? अर्जुन की जीत हुई। अर्जुन की जीत केवल इसलिए नहीं हुई कि वह अच्छे धनुर्धर थे, बल्कि इसलिए हुई कि उनका सारथी बढ़िया था। मेरे दोस्त, वो मार्ग प्रशस्तक बढ़िया थे जो उनको रास्ता दिखाते चले गए। आज आपको भरोसा करना है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी सफलता और आपके लाइफ का जो सारथी है वो आज आपके सामने खड़ा है। मेरे दोस्त, आज आपके सामने खड़ा है, और आज आपको डिसाइड करना है कि हमारे साथ या दुनिया में किसी और के साथ चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे दोस्त, रथ टूट सकता है, रथ का पहिया टूट सकता है, लेकिन यह सारथी कभी टूटने वाला नहीं है। मेरे दोस्त, ये सारथी कभी टूटने वाला नहीं है। आपको भरोसा है? आर यू एक्साइटेड? आर यू रियली एक्साइटेड? मेरे दोस्त, हमेशा हमारे साथ रहिए, कभी गलत मंजिल पर नहीं जाने दूंगा आपको। एक छोटी सी कहानी बता करके आपको अपनी मैं बात समाप्त करूंगा। एक बार
भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द होने लगा, उनको भी होता हो क्योंकि मनुष्य का अवतार लिए हुए थे, तो मनुष्य को तो सारे कर्म कष्ट झेलने ही है, ये सर दो। उनके सर में दर्द होने लगा, कई वैद्य आए दवा दिए, लेकिन उनके सर का दर्द जो है वो सही नहीं हो रहा था। लोग बड़े परेशान हुए कि भगवान श्री कृष्ण के सर का दर्द नहीं सही हुआ, तो आप जानते ही हैं, तो दवा काम नहीं करती है तो कहा क्या काम करता है। तो एक ज्योतिषी को बुलाया गया और ज्योतिषी को बुला करके बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सर का दर्द जो है वो सही नहीं हो रहा है। ज्योतिषी ने देखा और उन्होंने कहा कि एक ही दवा है, कहे क्या, कहे इनके प्रेयसी के चरणों की धूल, समझिएगा, इनके प्रेयसी के चरणों की धूल अगर इनके माथे पे लगा दिया जाए तो इनके सर का दर्द सही हो जाएगा। बुरा मत मानना यार। तो रुक्मिणी के पास लोग गए, कहे भाई उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला तो कोई है नहीं। रुक्मिणी के पास लोग गए, कहे अपने चरणों की धूल हमें दे दीजिए। मनदीप सर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मिणी से बोला गया कि अपने चरणों की धूल दे दीजिए ताकि आपके स्वामी के सर का दर्द जो है वो सही हो सके। रुक्मिणी ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक पत्नी होने के नाते ये गलत कार्य हो जाएगा मेरे से कि मेरे चरणों की धूल उनके मात्र, जबकि मेरी ही जिंदगी उनके कदमों में है। रुक्मिणी ने मना कर दिया, तो हुआ कि अब किसके पास चला जाए। कहां गए फिर वो लोग? राधा जी के पास। राधा जी से बोला गया कि आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए ताकि उनके सर का दर्द सही हो सके। राधा जी ने कहा, इससे बढ़िया क्या है हमारी जिंदगी में कि मैं किसी के काम आ सकूं। उन्होंने चरणों की धूल दे दी। रुक्मिणी नाराज हो गई, कही ये तुमने क्या किया राधा, अपने चरणों की धूल भगवान श्री कृष्ण के माथे पर, तुम सीधे नरक में जाओगी, नरक में। राधा जी ने कहा कि मैं नरक में जाऊं या मैं स्वर्ग में जाऊं, फर्क इस बात का नहीं पड़ता है, बल्कि प्रभाव तो इस बात का पड़ता है कि मेरे प्रियतम के सर का दर्द सही होना चाहिए। मैं चाहे जहां जाना जाऊं, और मेरे दोस्त मुझे पता है आप सब लोग, चाहे मनोज जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे मनदीप सर हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने लोग हो, सब लोगों ने, रुक्मिणी तो चली गई मेरे दोस्त, लेकिन राधा बची हुई है आप लोगों के रूप में। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने लिए। आइए मिलकर के एक सफर की शुरुआत करते हैं और आज इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सत सत प्रणाम आप सभी लोगों को, शूरवीरों को। थैंक यू मेरे दोस्त।